एक और बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आ रही है। मोतिहारी में अपराधियों का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है। लूट की वारदातों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि पूर्वी चंपारण अंतर्गत ढाका स्थित स्पंदना बैंक की शाखा से लुटेरों ने करीब 15 लाख की लूट को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि मोतिहारी में स्पंदना बैंक की शाखा में लुटेरों ने करीब 15 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बोलेरो सवार 6 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। स्पंदना फाइनेंस कंपनी खुलते ही लूट की और फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी में स्पंदना बैंक की शाखा से करीब 15 लाख की लूट को लुटेरों ने अंजाम दिया है। कंपनी का ऑफिस खुलते ही अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मोतिहारी में लुटेरों का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है। स्पंदना बैंक की शाखा से करीब 15 लाख की लूट को अपराधियों ने अंजाम दिया है। चार पहिया वाहन पर सवार हुए आए अपराधियों ने लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि स्पंदना बैंक की शाखा खुलते ही लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मोतिहारी से विनोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरह से खबर सामने आ रही है स्पंदना बैंक की शाखा से 15 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है, पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, ये सुबह सुबह 8 बजे की घटना है और 8 बजे स्पंदना फाइनेंस जो बैंक है ढाका पचपकड़ी पथ पर स्थित है, उसमें अपराधी घुस गए। सभी अपराधी बोलेरो से सवार होकर आए थे और कर्मचारियों को बंधक बनाने के बाद बैंक मैनेजर को कर्जे में लेकर 15 लाख रुपए लूट लिए और लूट कर वहां से निकल गए। जी, फिलहाल पुलिस अधिकारियों का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? क्या सीसीटीवी फुटेज की मदद से किसी की शिनाख्त हो पाई है? डीएसपी और एसपी दोनों घटनास्थल पर है और वहाँ सीसीटीवी फुटेज चूंकि बैंक में भी है, बैंक के बाहर भी है, सभी को खंगाले जा रहे हैं। और सबसे आश्चर्यजनक तो ये है कि इस घटना में जो घटनास्थल है वहां से थाने की बहुत मौज 200 मीटर दूरी कह सकते हैं, 200 मीटर दूर पर अवस्थित है थाना को से गुजर के ही अपराधी गए और वो उसी से गुजर के निकल गए। जी, जैसा कि आपने बताया कि महज थाने से 200 मीटर की दूरी पर ये बैंक स्थित है, ऐसे में लुटेरों का मनोबल कितना बढ़ चुका है कि बिना थाना के लोगों से डरे, बिना प्रशासनिक लोगों से डरे इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। आप ये बताएं कि जब ये लूट के वारदात को अपराधी अंजाम दे रहे थे तो पुलिस कहाँ थी, पुलिस कितने देर बाद पहुंची वहां? घटना के थोड़ी देर के बाद पुलिस पहुंची है, लेकिन जितना उसको समय लगा है घटना को अंजाम देने में। और वह एक और आश्चर्यजनक चौंकाने वाली बात होगी कि जिस जगह बैंक अवस्थित है वहाँ एक्स एमएलए जो है उनका मकान है, मोती रहमान साहब जो एमपी थे उनके मकान के बगल में घटना घटी है, वहां भी उनके सुरक्षा के लोग रहते हैं, बावजूद सुरक्षा के प्रति कोई ख्याल नहीं रखा गया और अपराधी बेखौफ घटना को अंजाम पूरी तरह से लापरवाही का नतीजा कि एक बैंक से 15 लाख की लूट को अपराधी अंजाम दे देते हैं। थाना महज 200 मीटर की दूरी पर है, पुलिसकर्मी नहीं पहुंच पाते हैं। अब इसे या तो अपराधियों की सफलता मानी जाए या पूरी तरह से जो पोल खुली है कानून व्यवस्था की उसके बारे में चर्चा की जाए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। आपको बता दें कि मोतिहारी में स्पंदना बैंक की शाखा से करीब 15 लाख की लूट को अपराधियों ने अंजाम दिया। जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद ने बताया कि महज थाना से 200 मीटर की दूरी पर यह बैंक है, फिर भी जितने देर इस वारदात को अंजाम दिया गया उतने देर पुलिस नहीं पहुंच पाई और सब कुछ हो जाने के बाद, अपराधियों के फरार हो जाने के बाद कुछ देर बाद पुलिस पहुंची। फिलहाल जाँच की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार ये जाँच का खुलासा कब तक हो सकता है।